हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। बहुत दिनों बाद उत्कर्ष के साथ वापस से व्लॉग बनाने का मौका मिला है, क्योंकि अभी भी इनके स्कूल वही है, 10 o'clock ये स्कूल होता है और शाम को 4:30 ये घर आता है, तो फिर टाइम ही नहीं मिलता और इतना थक जाता है कि व्लॉग के बारे में तो मम्मा बोले ही ना। तो बस मैं भगवान जी से मना रही हूँ कि वापस से स्कूल अपने टाइम पे हो जाए, क्योंकि 10 बजे तक हम लोग फ्री ही नहीं हो पाते हैं। कितना भी कुछ कर लो, जब तक बच्चे ये लोग ऑफिस या स्कूल नहीं चले जाते हैं तब तक मेंटली हम लोग फ्री नहीं हो पाते हैं। मेरा पूरा शेड्यूल ऊपर नीचे हो गया है और अब मौसम ठीक हो गया तो मैं सोचती हूँ कि हाँ, इनका स्कूल वापस से हो जाए तब मैं थोड़ा सा अपनी खुद की गतिविधियों को थोड़ा बढ़ाऊँ। मैंने थोड़ा सा पहले की तरह अपनी कुछ एक्सरसाइज शुरू की है और आप लोगों को मैं हमेशा बताती रहती हूँ। कुछ एक्यूपंक्चर वगैरह तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ घर के कामों के साथ, लेकिन एक्सरसाइज के लिए मुझे पर्टिकुलर 45 मिनट्स चाहिए होते हैं और वो मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया है और मुझे लगता है कि अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो मैं भी बहुत जल्दी डमरू हो जाऊँगी। तो कहीं ना कहीं अभी से मैं थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लूँ। इधर भी जो विंटर में मैंने खूब खाया है और बिल्कुल चलना फिरना सब मेरा बंद था ठंड की वजह से, तो अब मैं वापस से सब थोड़ा थोड़ा शुरू कर रही हूँ। थोड़ा सा प्लांट्स को अपना समय दे रही हूँ। बहुत सारे सीजनल प्लांट्स होते हैं जिनमें वो क्या बोलते हैं, पतझड़ भी बोलते हैं ना, कुछ इस समय भी होता है। एक बार थोड़े पत्ते वत्ते गिरेंगे, नए पत्ते आएंगे, तो कुछ कुछ वैसा देखना है मुझे। थोड़ा सा जो खराब हो गए, पीले पड़ गए, उनकी छटाई करना है। ये सब कुछ मैंने अभी तक नहीं किया था, अब करना है। थोड़ी खाद वाद दे दूंगी, हम लोग उसको गुड़ाई बोलते हैं, जिसको थोड़ा सा ऊपर नीचे मिट्टी कर देते हैं, थोड़ा अच्छी खाद डाल देते हैं। वो सारी चीज़ें मुझे करना है उत्कर्ष के एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, क्योंकि उत्कर्ष के एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं। डेट आ गई है और 28 दिन की फरवरी कहाँ भाग जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो जितना हो सकता है मैक्सिमम मैं करना चाहती हूँ, प्लस थोड़ा बहुत तबीयत में नरम गरम तो लगा ही रहता है सभी लोगों के साथ, तो वो हम मम्मा बेटू के साथ भी लगा रहता है और घर के बाकी मेम्बर्स के साथ भी लगा रहता है। हाँ, किसी ने मम्मी पापा जी का हालचाल पूछा था, तो दोनों लोग बढ़िया हैं, बिल्कुल ठीक हैं। थोड़ा सा कफ वगैरह की प्रॉब्लम जैसी मुझे हुई है वैसी उन लोगों को भी हुई है और सेम प्रोसेस हम लोग करते हैं, वही काढ़ा लेना, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चाय लेना, तो वही सारी चीज़ें हम सभी लोग कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे घर का हल। अच्छा, मुझे आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करनी थी कि उत्कर्ष का साइड का एक दांत टूटा हुआ है। आई थिंक 4 मंथ से ऊपर हो गए हैं, 4-5 मंथ हो गए हैं, लेकिन वहाँ कुछ निकल नहीं रहा है, एकदम ब्लैंक है और मुझे नहीं मालूम कि वो दांत कब निकलता है, निकलता भी है कि नहीं, या मेरी किसी लापरवाही की वजह से कुछ करना तो नहीं होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें हम, तो मैं थोड़ा सा अंदर से घबरा रही हूँ। और जिनसे भी पूछो उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उन लोगों को याद ही नहीं है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। कैल्शियम देना चाहिए या कुछ हमें करना होगा, या बहुत लंबे टाइम के बाद ये दांत आते हैं? तो अगर आप लोगों में से किसी को पता हो प्लीज़ मेरी हेल्प ज़रूर से कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर मैं कहीं कुछ कमी कर रही हूँ तो मैं उस चीज़ को जल्दी जल्दी फटाफट करने लग जाऊँ। और रही बात कैल्शियम की, तो रियली मैं खान पान में जो परहेज हमारा होता है वो एज इट इज़ है। दूध ये अभी भी नहीं ले पाता है, इसको 1-2 दिन दूध दो, कुछ भी डाल के दे दो, कोई भी फ्लेवर डाल के दे दो, इसको अंदर से वो मिश्री आने लग जाती है, तो इसको वॉमिटिंग लगने लगती है हर समय, इसको लगता है बाहर आ जाएगा। छोटे से कप में करके देती हूँ तो भी इसको यही फीलिंग आती है। तो हम लोग बस वही पनीर बनाते हैं और समहाउ दूध पचाना मुझे लगता है थोड़ा इजी है, पनीर मुझे लगता है थोड़ा सा बच्चों के लिए एवरी डे थोड़ा नुकसान करता है, तो मैं बीच में उसको भी गैप कर देती हूँ। लेकिन क्या करूँ क्या दूँ, मखाने वगैरह देती हूँ, कैल्शियम की कुछ टैबलेट्स बच्चों की आती हैं छोटी सी, वो भी मैं देती तो हूँ, लेकिन उससे कितना बॉडी में बनता है, बच्चों को कितने की नीड है, बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने क्वेश्चन मार्क बना देती हैं और मैं उलझ के रह जाती हूँ कि पता नहीं मैं इसके साथ सब सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। फिर भी आप लोग मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा, अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो ज़रूर बताइएगा। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को घर से हेल्प मिल जाती है, घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बता देते हैं, लेकिन कभी कभी ना बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ। कभी कभी लगता है कि कोई ऐसा होना चाहिए बताने वाला, लेकिन ना पता है फैमिली का एक नया एक्सपीरियंस मेरे साथ जुड़ा है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत परिवार होता है और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भी परिवार होता है, तो समहाउ मैंने एक चीज़ महसूस की है कि जब आप किसी चीज़ को अचीव करते हैं तो आप सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर्स को उसको दौड़ के दिखाना चाहते हैं। आपका जो भी रिजल्ट आता है उसे आप सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाना चाहते हैं, लेकिन
कुछ फैमिली मेंबर्स भी आपके अगेंस्ट आपके कॉम्पिटिटर बन के खड़े हो जाते हैं। ऐसा होता है, आप ये मत सोचो कि नहीं नहीं हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। चाहे आपके कजन्स हो, चाहे कोई भी हो, आपका कॉम्पिटिटर आपके आसपास आपके घर में ही होता है। वैसे भी मेरे घर वाले जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमेशा कहते हैं कि जब तुम किसी चीज़ को, तुम्हारी कोई क्वालिटी होती है, उससे लोग तुम्हारे अट्रैक्ट होते हैं ना, उस अट्रैक्शन के साथ साथ वहीं पर आपके कुछ जलने वाले लोग भी खड़े हो जाते हैं। यानी कि आपके प्रशंसक भी हैं एक तरफ, और एक तरफ आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग भी खड़े हुए हैं। तो एक ही चीज़, एक ही अचीवमेंट, एक ही गुण के इतने सारे लोग होते हैं कि वहीं कुछ आलोचक हो जाएंगे, कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे, और कुछ लोग आपकी बड़ी प्रशंसा करेंगे, कुछ लोग आपसे बड़े प्रभावित होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी क्वालिटीज़ की वजह से आप जितने दोस्त नहीं बनाते, उससे ज़्यादा आप दुश्मन बना लेते हो। बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसा हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि यार, आदमी सफलता जितना पा जाता है, जितने ऊंचे उसमें चला जाता है, उतने ही उसके दुश्मन पैदा हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने घर परिवार से सीखने को सबसे पहले ही मिलती हैं। और रही बात कमज़ोरी की, तो हाँ, जहाँ पे हमारे परिवार की फीलिंग आ जाती है, वहाँ पे हम अच्छे से अच्छी चीज़ों को त्याग देते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, फैमिली एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी होती है और बहुत बड़ा माइनस पॉइंट भी होती है। मेरा तो मिला भी जुला एक्सपीरियंस है दोस्तों। वैसे ही कहते हैं ना कि जो बहुत सुंदर लोग होते हैं, लोग चाहते हैं कि हाँ, ये ओ कितना सुंदर है, काश ये मेरा दोस्त हो जाए, काश ये मुझे मिल जाए। अच्छी चीज़ों के लिए भी हम लोग यही करते हैं कि काश ये मुझे मिल जाए। और वहीं जो बुरे लोग होते हैं, जिनको वो चीज़ नहीं मिलती है, तो वो ईर्ष्या में उस चीज़ को नष्ट कर देते हैं। जैसे हमारे खुद के भाई बहन, कोई एक चीज़ माँ बाप अगर किसी एक भाई को दे देंगे, तो दूसरे भाई को लगेगा कि उन्होंने मुझे नहीं दिया, मुझे कम प्यार करते हैं, और वो अपने भाई की उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, नष्ट करने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं ये ईर्ष्या और ये प्यार ना आपस में एकदम एक सिक्के के दो पहलू लगते हैं। जहाँ पे प्यार होगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं जलन और ईर्ष्या होना ही होना है, इससे हम दूर नहीं भाग सकते। तो बहुत सारी चीज़ों को मैं मिस भी करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर खुद भी हैं, और बहुत सारी चीज़ों में मैं उदास हो जाती हूँ कि यार, ये कोई बताने वाला नहीं है मुझे, आसपास सिर्फ हम ही तीन चार लोग हैं, उसमें से कई लोग तो परम बिजी रहते हैं, बचते हैं हम मम्मा बेटू, तो हम अपना कितना ही क्या राग लगाते। तो ऐसे ही मिला जुला सा हम लोगों का जीवन इस समय चल रहा है, और जैसा चल रहा है उसको इन्जॉय करने की पूरी पूरी मैं कोशिश करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि उसमें भी उत्कर्ष को कुछ अच्छी चीज़ें सिखा पाऊँ। आजकल इतने फ्रेजेस इसके चल रहे हैं, इतनी तरह के बदलाव आ रहे हैं इसके लाइफ में, इसके लाइफ स्टाइल में, इसकी चॉइस में, कि मैं खुद आश्चर्य से कि अरे बाप रे, मैं कैसे इसको संभालूंगी, कैसे मेरा क्या होगा। कभी कभी मैं बहुत उदास हो जाती हूँ कि मैं बच्चे को कैसे संभालूँ। लेकिन ठीक है, सभी माँ बाप के साथ ऐसा होता है, तो मेरे साथ भी हो रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बनाया गया। खैर, मेरी बातों का सिलसिला तो फिर निकल चला, और पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस दिशा में घूम रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ पता हो दांत के बारे में, तो बच्चे के लिए ज़रूर मुझे बताइएगा, गाइड करिएगा। मैं भी और सर्च कर रही हूँ कहीं से मुझे कुछ पता चल जाए, पर अभी तक मुझे कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। सो देखते हैं क्या होता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ से शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा मुझ पे। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।